गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं समर्स में होने वाले डेड स्किन के बारे में। तो हमारे स्किन बहुत ज्यादा डेड हो जाते हैं और इससे हम परेशान हो जाते हैं और हम तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो यूज करते हैं और उसके कारण हमारे फेस और ज्यादा डल और डैमेज हो जाते हैं। तो गाइस इसी टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना जिससे मेरी नई वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। गाइस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आपने जैसे सुना होगा कि जो फ्रूट्स आते हैं उसे हम खाते हैं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्दी भी होता है। तो गाइस अभी समर्स आ रहे हैं और आम के दिन आ रहे हैं, तो आम हम खाते हैं और ये इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी मिलता है। गाइस आपको पता है कि ये फेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो बताने वाली हूँ वो है मैंगो का फेस पैक। तो इसे आपको क्या करना है, जो पका हुआ आम आता है उसमें का जो अंदर का गूदा होता है उसे निकाल लेना है और जो कोल्ड क्रीम आता है उसे मिक्स कर लेना है। गाइस आपको थोड़ा सा उसमें मिल्क डाल देना है ठंडा और इन तीनों का पेस्ट तैयार कर लेना है और फेस पैक आपको लगा लेना है और 10-20 मिनट तक रखना है। उसके बाद आपके फेस को वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो डेड स्किन के प्रॉब्लम होंगे ना वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। गाइस जैसे पता है आपको कि लेमन हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, स्किन के साथ साथ हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस लेमन को क्या करना है, आपको लेमन ले लेना है और लेमन के जो रस होता है ना उसमें आपको हनी ऐड कर देना है। हनी ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका दोनों का पेस्ट बना लेना है। उसके बाद अपने फेस में अप्लाई कर देना है आपको और 30 मिनट तक रखना है। उसके बाद आपको कूल वाटर से आपके फेस को वॉश कर लेना है। इससे भी आपके डेड स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो रिमूव होने में बहुत हेल्प होता है। थर्ड टिप्स है वो खीरा, जो कि खीरा होता है वो समर्स में बहुत ज्यादा आते हैं और आपकी स्किन के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसे खाने से आपके शरीर में पानी की जो मात्रा होती है उसमें कमी नहीं होती है। तो क्या करना है कि खीरा ले लेना है और खीरा को कद्दूकस कर लेना है, मतलब उसका जो फेस पैक एज अ फेस पैक हमको यूज करना है, तो और उसमें दही और चीनी ऐड कर देना है और दोनों का तीनों का मिश्रण करके हमको उसका फेस पैक बनाना है और उसे फेस पे अप्लाई कर लेना है और हमको 15-20 मिनट तक उसे रखना है, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। गाइस जो खीरा होता है ना वो आपके डेड स्किन को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। इसे मैंने भी यूज किया है और ये काफी हेल्पफुल है, तो आप भी ट्राई करें। ऐसा आपको पता ही होगा कि दही हमारे स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी। तो आपको दही लेना है और दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद इसमें नींबू का रस ऐड कर देना है और दोनों को मिला लेना है और एज अ फेस पैक आपको अपने स्किन पे लगाना है जहां पे आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम है, जहां पे आपका स्किन टैन हो चुका है, काला हो चुका है। तो गाइस इसको लगा के आपको 30 मिनट रखना है। उसके बाद आपको ठंडे पानी से धो लेना है। गाइस ये कुछ मेरे टिप्स थे, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।